वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? बहुत सारी भीड़ आने वाली है। कमाल का टॉपिक है आज की क्लास का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सोच के ही हंस रहा हूँ कि क्या पढ़ाऊंगा आज। वाह वाह वाह। अनअकैडमी पे एक क्लास चल रही है, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी आज की क्लास का नाम है, और डाउट क्लियरिंग क्लास रिगार्डिंग प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, चाहे वो 2019 हो 20 के लिए, तो आपको उस तैयारी में क्या क्या डाउट आ रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, उन सब पे एक क्लास है। एक ही क्लास होगी 28 तारीख 2020, और आपको पढ़ाएंगे अभिनय शर्मा। तो तैयार है, कोई भी डाउट अगर आपको भेजना है। देखिए, आज की क्लास में मैं गणित के डाउट शायद ना बताऊं। कोई आपको डाउट ये बताना है कि ये आपकी कमी है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। और एक क्वेश्चन टैग है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग होगा। उस क्वेश्चन टैग में आपको अपने डाउट्स लिखने हैं, अपनी परीक्षा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी डाउट आ रहे हैं उनको लिखना है। ये सब आपको करना है। तो फटाफट से, काफी सारे डाउट आ भी गए बच्चों के जो हम लेंगे। उससे पहले मैं और कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अर्पित तिवारी जी, देखिए डाउट जो है वो क्वेश्चन टैग में डालेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन टैग में अगर डाउट डालेंगे तो बेहतर होगा। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी, बचे हुए एक मंथ में क्या होना चाहिए। जो लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और जो लोग कई बार दे चुके हैं जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, इन बच्चों को अभी भी मॉक टेस्ट देना कंटिन्यू रखना है। पूरे महीने में मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। और जो पहली बार दे रहे हैं, अब इनको मॉक टेस्ट एकदम नहीं देने हैं, छोड़ देना है मॉक टेस्ट देना। क्योंकि पहली बार वालों की तो तैयारी उतनी नहीं हो पाती कि वो मॉक टेस्ट क्या देंगे। अरे कल्पेश सिंह, बिल्कुल भी डर की बात नहीं है। आप डाउट भेजिए, मैं हर चीज का डर खत्म करूंगा आपका, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो एक तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ये मॉक ना दे करके अपना टाइम, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ्स फॉर्मूले, रीजनिंग प्रैक्टिस, जितना भी टाइम इनको बचता है वो इन सब चीजों पे दें। अभी मॉक टेस्ट ना दें। इन लोगों को तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। जो भी कमियां इनकी पिछले साल रह गई थी, या जो मॉक टेस्ट में मान लेते हैं 150 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर जहां कट जा रहे हैं, रोज के रोज उस चीज को एनालिसिस करके, मान लेते हैं एक टॉपिक पे इनके बार बार नंबर कट रहे हैं, तो वो टॉपिक इनको कंठस्थ करने हैं। और इनको बहुत ज्यादा आप कुछ करने की जरूरत नहीं। इन दोनों ही बच्चों के लिए मैं कहूंगा, जो मैं यूट्यूब पे क्लासेज ले रहा हूँ जिसमें मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि ये सवाल पेपर में आ सकते हैं, इसको मिस मत करिएगा। इसको जरूर देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा कि ये सवाल हैं। साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में तो फिर रह जाता है, तैयारी नहीं हो पाती है। अब जिन भी बच्चों ने सवाल पूछे हैं, गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बड़ी हस्ती गुप्ता जी। बच्चे सवाल ज्यादा भेज रहे हैं, जबकि मैंने कहा था आपको कि सवाल ना करके आपको डाउट्स पूछने हैं। जैसे एक लड़का कह रहा है कि सर लास्ट एक मंथ में प्रिपरेशन वो हो सकती है मैथ्स क्रैक करने लायक। यस, बिल्कुल हो सकती है। आप मान के चलिए कि 40 से 45 नंबर ला सकते हैं एक महीने में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लीजिए, 40 से 45 नंबर तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही ला सकते हैं, रट के उनको, क्योंकि कंसेप्ट तो इतनी जल्दी अब क्लियर हो नहीं पाएगा, तो रट के ही ला सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे गणित का सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा पड्डू समझ के हटा रहा हूँ उनके सवाल। सर डीआई का एक दो क्लास लगा दीजिए। ओके, मैं डीआई स्पेशल क्लास में पढ़ा देता हूँ। एक बच्चा गुप्ता जी है जिसने पूछा है कि मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक बता दीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ, आपको वक्त नहीं लग पा रहा है, तो आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं और क्या क्या छोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर पूरा पढ़ लीजिए टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा, और डिविजिबिलिटी रूल और एलसीएम एचसीएफ के सवाल,
बस नंबर सिस्टम में ये एक और दो टॉपिक और एक एलसीएम एससीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आपके पेपर के 4 सवाल इसी में से फंस जाएंगे। इसके अलावा नंबर सिस्टम में अभी आप कुछ मत पढ़ के जाओ, ये मैं सिर्फ 2019 के लिए बात कर रहा हूँ। 2019 की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो नंबर सिस्टम में सिर्फ आपको एलसीएम, अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके का डाउट पूछता है और आपको उसका जवाब पता है तो आप मेरी तरफ से दे दीजिएगा, मैं इधर पढ़ाने में बिजी हूं। ठीक है, तो एक तो आपको ये नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ना है। एलजेब्रा में मैंने चाहे तो वो मेंस के टाइम पे वीडियो डाली थी, चाहे अभी प्री के टाइम पे डाली है, जो भी मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, आप उतना कर लो, एलजेब्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं फैक्ट फैक्ट बातें आपको बता रहा हूँ, आप कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं जो वीडियो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक दो वीडियो और आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप वो कर सकते हो तो वो आप कर लो। एसएससी कौन बच्चा है जो लिख रहा है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है बात, जो भी पढ़ा रहा हूँ। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्री की बेसिक्स में जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जितनी भी ये छोटी छोटी थ्योरम हम स्टार्टिंग में बताते हैं, एंगल बाइसेक्टर और एक सिमिलरिटी, छोटे छोटे जितनी भी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है काफी है। मैं ये देख रहा हूं कि प्री के पेपर में ज्यादा क्वाड्रिलेटरल या सर्किल से सवाल नहीं आ रहे, अगर सर्किल से सवाल भी आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, जिस सवाल के अंदर एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लग रही है वो भी ट्राइंगल की है, जिस सवाल के अंदर पाइथागोरस लग रही है वो भी ट्राइंगल की है, तो यही सब आ रहे हैं। ये कौन बच्चा है जो हिंदी में लिख रहा है इतना लंबा चौड़ा? बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ज्योमेट्री में हो गया, मेंसुरेशन में भी आप, मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले ही पढ़ लो, मेंसुरेशन में प्री से बहुत कुछ सवाल आने की उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि कोई एक आध सवाल आए भी और हो सकता है कि कोई भी सवाल ना आए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की है इन्होंने जो आप छोड़ के जा सकते हो। आपको एसआई और सीआई दोनों ही पढ़ना बहुत जरूरी है, एसआई सीआई दोनों ही मस्ट है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आप दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ सकते, प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज भी। टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, टाइम एंड वर्क में तो कुछ है नहीं, इसको भी मत छोड़िए। एवरेज, अगर एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज में आप 3 टाइप के सवाल पढ़ लो, एक तो जैसे 11 संख्याओं का औसत, इतना पहली 4 का ये, बाद की 5 का ये, बाद में 3 संख्याएं, एवरेज में ये, और प्लस इवन ऑड नंबर अगर आप कर लेते हो, सिर्फ इवन ऑड नंबर, तो मुझे लगता है कि एवरेज में इसके बाहर सवाल नहीं आ रहा आजकल। बात समझ रहे हैं, बहुत तेज तेज कमेंट कर रहे हैं। गुप्ता जी आप समझ रहे हैं बात को, आपने महत्वपूर्ण बात पूछी तो मैंने बताया। लगता है गुप्ता जी हमारे कंबल ओढ़ के सो गए, शायद आ नहीं रहे हैं हमारे साथ। सर वर्किंग वाले तैयारी कैसे करें? मैं तो यही कहूंगा कि वो 1 महीने की अब छुट्टी ले लें, 1 महीने ऑफ कर लें, लास्ट में तो 1 महीने पूरा देना ही पड़ेगा तैयारी के लिए। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, करंट अफेयर की हम भी, हमारे पास भी जीएस के बहुत तगड़े एजुकेटर हैं, मिस्टर जितेंद्र कुमार, मैंने उनको बोला है कि वो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस वन फॉर्म में, मतलब सिंगल फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बना के दे देंगे और वो हम टेलीग्राम पे अपने डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कैसे जल्दी करें? कुछ नहीं है, आपको गुणा भाग की आदत डालनी पड़ेगी, गुणा भाग की आपको आदत डालनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब चीजों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी।
अभिनय मेस टेलीग्राम चैनल है, आप यूट्यूब गूगल करेंगे आ जाएगा। स्पीड नहीं बढ़ रही मैथ्स में, क्या करूं सर? कुछ नहीं, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्यों नहीं बढ़ रही। आता नहीं है वो टॉपिक, या आता है कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कोई वजह तो होगी, उन वजह को पकड़िए। आप इतने बड़े हैं, स्पीड ना बढ़ने की और कोई वजह नहीं हो सकती, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। जैसे मैं एक अननोन रोड पे कार चलाऊं, आराम आराम से चलूंगा, कहाँ गड्ढे आ जाए कहाँ क्या। एक जिस रोड पे मैंने बहुत सारे चक्कर लगा रखे हैं, इतनी प्रैक्टिस है कि आंख बंद करके निकाल देता हूँ कहाँ ब्रेकर आएगा। तो प्रैक्टिस में कमी है सर। इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर सफिशियंट है क्या सर? अभी तो नहीं, आजकल तो नहीं भाई, इसका जवाब है नहीं, अब वो जमाना नहीं रहा। दिनेश यादव के अच्छे नंबर आ रहे हैं सर। सिली मिस्टेक हो जाती है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, आप जल्दबाजी करते हैं और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और नॉलेज गेन कीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि कुछ बाकी ना रहे। जब आप इतना पढ़ लेंगे, 3.5 किलोमीटर रेस की तैयारी कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर की रेस आप हंसते हंसते जीत जाएंगे। बात समझ रहे? एक लड़का पूछ रहा है सर, सांप कौन है? मैं नहीं बता सकता सांप कौन है। एक लड़का कह रहा है जनरल वालों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ होगा जनरल वालों का। सर प्लीज बताइए कि ओवरऑल रूटीन क्या होनी चाहिए, प्लीज इग्नोर मत करना सर, प्लीज सर। देखिए, दो तरीके की रूटीन जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बनानी चाहिए, एक ओवरऑल और एक डेली रूटीन। ओवरऑल रूटीन में यह है कि मैंने डिसाइड कर रखा है मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, बट मैं नहीं पढ़ पा रहा, किसी दिन मैं पार्टी में चला गया। मान लेते हैं कल मुझे पता है कि मुझे कोई काम नहीं है, बस एक बार चक्की पे आटा पिसवाने जाना है, 5-10 मिनट लगेंगे। तो हम अगले दिन का रूटीन प्लान करते हैं। कैसे? मैं प्लान करूंगा यार, मैं 8 बजे जगूंगा, 8 बजे जगने के बाद 8:30 तक मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगा, नाश्ता करके, आधा घंटा बहुत है। और उसके बाद मैं 8:30 पढ़ने बैठ जाऊंगा, 11:30 तक गणित पढ़ूंगा। उसके बाद जो भी टॉपिक मैं पढ़ूंगा उस पर मैं प्रीवियस ईयर सवाल करूंगा आधा घंटे में 20-25, और ये देखूंगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। और 12 बजे तक गणित पढ़ के रख दूंगा, 12 से 1 बजे तक आराम से लंच वंच करके फिर फ्री हो जाऊंगा, 1 बजे फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, 1 से 2 बजे तक मैं जीएस पढ़ूंगा, 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करूंगा 3 बजे तक। ऐसे आपको अगले दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए। ओवरऑल रूटीन में ये है कि मेरे पास अब 1 महीना बचा है, मुझे किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक खत्म करने हैं। मुझे पॉलिटी खत्म करना है 5 दिन में, अब वो 5 दिन कौन से होंगे, या मुझे पता है 15 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़नी है, वो 15 घंटे मैं कैसे निकालूंगा, ये डिसाइड करेगा आपका डेली रूटीन क्या है। तो हमेशा 2 रूटीन बनाने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में रूटीन बना देते हैं सीधे सीधे कि अरे 8 से 9 नहाना, फिर 9 से 12 गणित, बट वो रोज परफॉर्म नहीं हो पाता, फिर मूड खराब होता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगले दिन का रूटीन बनाइए। अगर आपका रूटीन इतना डिस्टर्ब है कि आप अगले दिन का भी नहीं बना सकते, तो फिर आपको क्या करना है कि आप सुबह जगे, आपको पता है अब आपके पास 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो 4 घंटे का रूटीन बना लीजिए, शॉर्ट टाइम रूटीन बनाइए। हमेशा बच्चा करता है कि कल से मैं इतना पढ़ूंगा उतना पढ़ूंगा। अगर आप यही वादा करेंगे कि मैं 2 घंटे बाद इतना पढ़ूंगा, तो आपको वो वादा याद भी रहेगा, कल वाला तो आप भूल जाते हैं तुरंत। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्त? वेरी गुड सर। क्वेश्चन मैथ के फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्या करें? देखिए, और सब्जेक्टों में आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आपकी तैयारी और सब्जेक्टों में भी कम है, आप उस तैयारी को बढ़ाइए। जीएस अगर आपको आती है तो 10 मिनट में हो जाएगी, इंग्लिश आपको आती है 10 मिनट में हो जाएगी, तो ये 5-5 मिनट मिल रहे हैं ये आप गणित को दीजिए, तब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जीएस के सवालों में ऐसे ऐसे बस लाइन खींचते रहते हैं, उनको लगता है लाइन खींचूंगा तो याद आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इंपोर्टेंट 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ बना दो सर। 100 का तो नहीं भाई, कम से कम 200-250 का बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। ठीक है, सर अर्थमेटिक में स्पीड नहीं आ पा रही है।
अर्थमेटिक में स्पीड नहीं आ पा रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन वीक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, जो शॉर्ट चीजें हैं, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हैं, आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको उन सब पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कमी आप ही को ढूंढनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। सर ट्राइंगल एंड सर्किल के क्वेश्चंस क्लिक नहीं करते, कैसे अप्रोच करें? ज्योमेट्री तो सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। मैं भी अगर ज्योमेट्री 2 महीने अभी नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है आप मुझसे सवाल पूछे, मैं ना बता पाऊं। बात समझ रहे हैं? मैं ना बता पाऊं। तो ज्योमेट्री में जितनी भी थ्योरम है, जैसे आप जीएस में ही समझ लो कि आप सब कुछ पढ़ लेते हो, उसके बाद भी नंबर नहीं आ पाते, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी और उसके हिसाब से फिर सवाल, ये सब में बहुत अंतर है। आपको सारी थ्योरम रटने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप ज्योमेट्री के सवाल कर पाए, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर मॉक कौन सा बेस्ट है? मार्केट में बहुत है, मेरे हिसाब से कोई भी बेस्ट नहीं है, मैंने कई बार बता दिया। अब तो पेपर में टाइम भी कम बचा है, 1 मंथ ही बचा है, आपको करना क्या है? सिर्फ 2016, 2017, 18, 19 में जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं, अगर ये आप सारे कर लेते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। 40% चीजें या पैटर्न आपको सेम मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड जी, मैं सीआई करवा दूंगा। कुछ भी सवाल मत पूछिए कि सर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कैसे जल्दी करें। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई यूनिट डिजिट हम यूज करते हैं, हम सम ऑफ डिजिट यूज करते हैं कैलकुलेशन में, हम डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का यूज करते हैं, 5 का यूज करते हैं। नंबर सिस्टम की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उनका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करोगे तो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन इजी होगी। सर मैथ्स प्रिपरेशन 30 डेज में हो सकती है स्कोरिंग? मेरे हिसाब से 40 से 45 नंबर बच्चे लेके आ सकता है, अगर उसका मैथ समझ में आता है, बेसिक बातें पता है, तो 40 से 45 नंबर ला सकता है 30 दिन। सर मॉक में सिली मिस्टेक हो रही है, कैसे अवॉइड करें? मैथ्स के रिवीजन कैसे करें? जल्दीबाजी, देखिए अगर कई बच्चे होते हैं, मैं भी देखता हूं, उन्हें बहुत जल्दीबाजी करते हैं। आपने 25 सवालों में जल्दीबाजी करके 15 गलत कर दिए, 10 सही, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप टोटल 25 ना करें, सिर्फ 20 ही करें, आप देखें तो सही गलती किस बात में हो रही है। खुद को देखिए, जब तक शांत नहीं रखेंगे तो ऐसे बहुत बच्चों को मैं जानता हूं जो अब तक तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। शांत रह के पढ़ाई करने की कोशिश करो। सर जी आपसे निवेदन है कि एक डाउट क्लास लगवा दो, रीजनिंग के अपसेक सर की, सिर्फ एक। ओके जी, श्योर लगा देंगे। कैलकुलेशन पर वर्क कैसे करें? अभी तो बताया, कितनी बार बताऊं, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम, ये सब का इस्तेमाल करो। सर डीआई को जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करें? डीआई की एक क्लास करा दीजिए, मैं डीआई की स्पेशल क्लास ही करा देता हूँ। डीआई में कोई बहुत कठिन सवाल आ नहीं रहे, और मैंने पढ़ाया हुआ भी है डीआई, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखिए तो सही। त्रिया शर्मा डिजिटल सम बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल। सर सिली मिस्टेक यार, ये तो प्रैक्टिस की कमी है, आप ऐसे औंधे मौंधे सवाल मत पूछे प्लीज। एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे टैकल करें? सर देखिए, अब आजकल बड़ा कॉमन हो गया, जैसी चीजें आप खा रहे हैं उल्टी सीधी, मुझे लगता है कि ये हैंडल करना आसान बात नहीं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एग्जाम में जाके हाथ पैर फूलने लगते हैं, देखिए 2 वजह हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, मैंने बताया अभी नॉलेज का पार्ट है, जिस टॉपिक में हमें नॉलेज होती है, टीचर हमारे सामने आता है, हम उछल उछल के हाथ उठाते हैं, अरे मैं बताऊं मैं बताऊं, वहीं जिस दिन हम पढ़ के नहीं जाते और टीचर सवाल पूछे तो हम छुपे छुपे रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना एग्जाम का प्रेशर कम होगा, फिर भी अगर ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको गोली लिख देगा इटिलोम 0.25 mg, एग्जाम में खा के जाएं और बिंदास पेपर देखें। अभी मैंने मना किया कि गणित के सवाल मत पूछिए, बेइज्जती मत कराइए पूछ के, सिर्फ परीक्षा से
आपने टाइटल नहीं देखा क्लास का? क्लास का टाइटल ही है कि डाउट क्लियरिंग क्लास रिगार्डिंग प्रिपरेशन। नींद बहुत आती है, क्या करें, सो जाए करें और क्या करेंगे। नींद पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, और चीजों पे तो क्या खाक होगा। वो क्या है ना, शादी में भी आगने की वजह से क्या हो गया, गले में बहुत लोगों से तेज तेज आवाज में बात की है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। सर प्रीवियस ईयर पेपर में 140 प्लस मार्क्स आते हैं बट मॉक में बहुत, इसका मतलब है वो तो है ही, आपकी तैयारी बहुत कम है, बहुत कम तैयारी है। बट आप फिर भी ये समझिए कि प्रीवियस ईयर मॉक में भी आपके 160 से 170 तक आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मॉक आलतू फालतू के भी कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत हैं, कि लोग कुछ भी मॉक बना देते हैं। आजकल जितनी भी कंपनियां मॉक बना रही हैं, तो वो सब मॉक मत दे के अपना कॉन्फिडेंस मत गिराइए। जीएफ की याद आती है, क्या करूं। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती जीएस की। आप लोग इनकी स्पेशल क्लास को भी फॉलो करिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और मैंने आपको कहा भी कि मैं इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर के बना के टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सर आते हुए, सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ लाइफ में, सबका इलाज करता हूँ, क्वेश्चन टैग में सवाल डालो तो मैं सबका इलाज करता हूँ, टेंशन मत लो। सर आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाते, इतनी नर्वसनेस होती है। ऐसा नहीं है यार, इतनी भी नर्वसनेस नहीं है, ऐसे कोई तुम मरीज नहीं हो कि इतनी नर्वसनेस होती है। तुमसे पूछा जाता है 2 + 2 बताओ तो तुम कहते हो 5 होता है, थोड़ा हिसाब का फेंको, इसका मतलब तुम्हें आता ही नहीं है, सीधा सीधा मतलब यह है। कुछ भी लिख देते हैं कि आते हुए सवाल गलत, एक दो सवाल सबका होता है, मुझे भी पूरा पेपर आता था बट कभी 200 नंबर नहीं आए ना, एक दो सवाल तो गलत हो ही जाता है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हें, तुम क्या करते हो पता है, कि जो 50 सवालों में तुम्हें 30 सवाल आते थे, 10 सवालों में तुमने तुक्का मारा और उसमें 5 सही हो गए 5 गलत, तो तुम पता है क्या बोलते हो, अरे 5 में तुक्का मारा था, 5ों के 5ों गलत हो गए। ये नहीं बोलोगे 10 में मारा था 5 सही भी हुए, इन्हें तो तुम अपना ज्ञान समझते हो, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई करोगे सब हो जाएगा। सर एटलीस्ट कितने मॉक्स देकर जाना चाहिए एग्जाम में, देख रहे हो ये लड़का कैसा सवाल पूछ रहा है, एटलीस्ट कितने मॉक देकर जाना चाहिए। मैं बोल दूंगा 5001 मॉक देकर जाना चाहिए, चला जाओगे 5001 मॉक देकर, बताओ। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं 0 देके गया था, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, कभी नहीं दिया, बहुत बच्चों को जानता हूं जो कभी मॉक नहीं देते, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। 20-30 मॉक ये है, इससे बैठने की प्रैक्टिस बन जाती है, पेपर का प्रेशर हैंडल करना आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मॉक्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मॉक देना जरूरी है कि हम एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर सकें, जो स्ट्रेस एग्जाम में बैठ के होता है उसको हैंडल कर सके, उसके लिए मॉक है। अगर आपको लगता है कि अब आप कंफर्ट हो गए हो तो आप देना बंद कर सकते हो। यही मैंने कहा कि जो लोग अब पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो अभी मॉक देना बंद कर देना चाहिए, जो लोग कई बार दे चुके हैं पेपर सिर्फ उन्हीं को मॉक देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलोनी विडिया भी हमारी जुड़ चुकी है, जिसकी शादी तय हो गई है। रामेश्वर वर्मा, नमस्कार भाई, नमस्कार। देखिए सबका नाम लेना यह संभव नहीं है हमारे लिए, कई बच्चों इसलिए डाउट लेके आ रहे हैं कि अरे हमारी शादी नहीं हो रही। अब बताइए, मैं ये सबके सॉल्यूशन दूं, तुम्हारी नहीं हो रही, पढ़ाई करोगे, नौकरी लगेगी तो रिश्ता आएगा, बताओ, ऐसे तो नहीं आएगा भैया।
सर आपकी लास्ट स्ट्रेटेजी वाइज क्लास है कोई जो आपने अभी बोला? हाँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जीतू बाबू, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो भी आदमी आगे पहुंचा है सबने पढ़ाई की है। तो मैंने कहा कि लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी की क्लास अभी अनअकैडमी पे ही चल रही है जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो भी लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये लड़का कितना गजब सवाल पूछ रहा है, ऐसे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें मैं कहता हूँ कि ये कार्टून है, जब इनकी शादी हो जाएगी और इनके बच्चे जिद करेंगे कि मम्मी कार्टून देखना है, तो माँ बोलेगी अपने बाप को देख ले। एक बात बताओ, ये कह रहा मैथ के 25 क्वेश्चन कितनी देर में हो जाने चाहिए? मेरे हिसाब से 4 मिनट में हो जाने चाहिए। कर लोगे तुम? तुम्हें भी पता है 1 घंटा पेपर का मिला है जिसमें 15 15 मिनट हमें सभी सेक्शन को देने हैं। अगर आप कहीं से 2 4 मिनट बचा लेते हैं तो आप वो मैथ में शिफ्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा फंडा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होना उसका, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आपके ऊपर है कि भाई 15 से 20 मिनट मिनिमम लगनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अद्भुत परफॉर्मेंस, कमाल कमाल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 276 डाउट आ चुके हैं हमारे पास इस वक्त। सर आप YouTube पे जैसे आजकल पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ाते रहेगा, बट एक बार प्लीज SINCI पढ़ा दीजिए प्रॉफिट लॉस। टाइम एंड वर्क के बाद CI शुरू कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम भी टेंशन ना लें, मुझे पूरा आपका ख्याल है। और फरवरी में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास लूंगा, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन ना लें सर। वो नर्वस वाली मेडिसिन बता दो स्पेलिंग के साथ, कैसी कैसी बातें पूछते हैं बच्चे। मैंने मना किया है कि गणित के सवाल मत चिपकाओ। स्पाइडरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सर मैथ की फास्ट अप्रोच नहीं लगा पाते, जैसे आप मैथ के क्वेश्चन देखते ही लगाते हैं, हमसे नहीं हो पाता मौके पेपर में, वही पुराने अप्रोच आते हैं दिमाग में, कोई उपाय बताइए। यार देखो इसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत पढ़ाया है, इतनी इतनी बार टॉपिक्स पढ़ा दिए कि रट गए। तो अब कोई नया सवाल भी सामने आता है तो आइडिया लग जाता है कि यार इस तरीके से करना है सवाल को। एक बच्चा बार बार एक कमेंट कर रहा है कि उसके मॉक में 180 नंबर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट हो चुके हैं, तब उसे क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है ये बच्चा थोड़ा पागल हो गया है, जिसके 180 नंबर आ रहे हैं उसे क्या करना चाहिए आप ही बताओ। देखिए इतनी फास्ट कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कमेंट को। तो 180+ नंबर जिसके आ रहे हैं, अब ये तो वही वाली बात हो गई कि इस लड़के के 600 में 580 नंबर आ गए Tier 3 में, और फिर पूछ रहा है सर इससे ऊपर नंबर बढ़ नहीं पा रहे। अबे 180 नंबर बहुत है, इसके ऊपर बढ़ाने क्यों है तुम्हें नंबर बताओ, इंजॉय करो। प्रदीप दुबे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लड़का पूछ रहा है कि सर क्या छोड़ना है मैथ्स में, ये बता दीजिए प्लीज। देखिए अभी मैंने बताया कि आप पूरा नंबर सिस्टम छोड़ सकते हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट आती होगी, बहुत बेसिक है, चाहे तो इसको भी छोड़ दें, नहीं आ रहे। और नंबर ऑफ फैक्टर अभी आप पढ़ लें तो काफी है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं जिनसे सवाल नहीं आ रहे, या बहुत बेसिक बेसिक चीजें उनकी पढ़ सकते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम में तो 2 फॉर्मूले काफी हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेन है तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट काफी है, उसके अलावा और बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आलतू फालतू प्रैक्टिस करने का देखिए नुकसान ये होगा कि आप खाली मैथ का पेपर तो दे नहीं रहे, उसके अंदर GS भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है। अगर आप सारा टाइम मैथ में ही खपा देंगे तो GS को कब टाइम देंगे, इंग्लिश को कब टाइम देंगे, रीजनिंग को कब टाइम देंगे? तो आपको ये सब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप मैथ में ही PhD कर लेंगे खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
और अब तो हमारे हमने सारे टीचर्स आपको दिए, एक से एक बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो रीजनिंग के लिए अभिषेक सर, चाहे जीतू सर जीएस के हों, इंग्लिश के लिए प्रणीत मैम, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और वाकई में मेहनत कर रहे हैं सर। देखिए पढ़ाने में भी मेहनत लगती है, आसान नहीं है पढ़ाना भी। आज हम भी मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है, हम ये कैसे बता देते हैं, एनालिसिस करते हैं पूरे टाइम बेड पे, हमारे क्वेश्चन पेपर पड़े रहते हैं सीपीओ के सीजीएल के, तो आज भी पढ़ना पड़ता है। आप अभी भी पढ़ने से बचते हैं, आपको लगता है बिना पढ़े सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत जिंदगी की हर स्टेज पे करनी पड़ेगी, जिस दिन भी नहीं करेंगे पीछे चले जाएंगे। चाहे आप नोकिया को देख लीजिए, अपडेशन नहीं किए, एक जमाने में नोकिया का फोन लोग हाथ में पकड़ते थे तो एक स्टैंडर्ड होता था नोकिया के फोन का, आज वही नोकिया का फोन खत्म हो गया, जमाने के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाया, जहां लोगों को एंड्रॉयड की जरूरत थी वो नहीं दे पाया, खत्म हो गया भाई। तो ये चीज आपको देखनी है, अभी मेहनत नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पे आपको मेहनत करनी है, जॉब के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है काम। एक बच्चा पूछ रहा है अभी के टाइम पे आपका प्ले विद एडवांस मैथ्स करना सही रहेगा, इसको मेंस में कर लेना अभी मत करो, मेंस में कर लेना अभी मत करो, अभी प्री के लिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना काफी है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उतना ही काफी है, उससे बहुत सवाल फंसेंगे देखिए तो सही। बताइए ये कैसा लड़का है, इस लड़के के बारे में आप क्या कहेंगे, ये कह रहा है आज से स्टार्ट करें तो सीजीएल क्रैक हो सकता है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम आज से भी नहीं कर पाओगे, जो अब तक नहीं कर पाया वो आज से खाक करेगा, बस तुम सोचते रहोगे आज से कर लूं आज से कर लूं, हलवा है क्या है, मजाक है कोई, इतना भी हलवा मत समझो बेटा। अभी मैंने कितनी बार तो बताया, बार बार पूछ रहे हैं, मैंने बोला नंबर सिस्टम वो भी उसमें दो चीज, मैंने बोला एलसीएम एससीएफ, फिर मैंने बोला परसेंटेज एसआईसीआई प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में केवल एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के, आप एक तो वो तीनों कॉन्सेप्ट जान लो, एक S1/S2=√T2/T1 जान लो, ऐसे छोटी छोटी सी चीजें पकड़ो, सारी चीजें नहीं आ रही। मैं एक बार बता दूंगा, अभी मैं पढ़ा तो रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने आपको बोला मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे जो पेपर में आना है, तो आप वो फॉलो करते रहो, क्यों ये सब पूछ के, अगर मैं बता भी दूंगा टॉपिक तो क्या आप सवाल निकाल लोगे अपने आप, नहीं निकाल पाओगे भाई। कैसे कैसे डाउट आते हैं, मैं तो बड़ा खतरनाक हूं सर, प्रणाम, एलजेब्रा समझ नहीं आती कैसे पढ़ूं। बेटे किताब उठाओ खोलो, एलजेब्रा की पहले यूट्यूब से सारी वीडियो पढ़ो, सारी वीडियो पहले यूट्यूब से पढ़ो पहली से लेके आखिरी तक, फिर आप जो रिसेंट वीडियो डाली गई है उनको करो, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सवाल करके देखो कि हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके बाद भी नहीं हो रहे तो एलजेब्रा को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बनाई नहीं है। 99.99% चांस है कि 100% बन जाएगा, समझ आ जाएगा, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे बेटा, बिना मेहनत के तो देखो कुछ होगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, यही इलाज है। सर मैं प्लस स्टूडेंट हूं, क्या मैं आके अब चल रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करके क्या मैं 45-50 स्कोर आ सकता हूँ 100%? अगर तुम प्लस स्टूडेंट हो तो अभी फरवरी की भी सारी क्लास कर लोगे यूट्यूब की, तो 100% हो सकता है 50 भी ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं, एक लड़का देख रहे हो 36, प्लीज सर सॉल्व इट। बेटे अगर तुम इस सवाल को पढ़ भी लो ना तो मैं तुम्हें 1100 रुपए का नगद इनाम दूंगा, अभी मैंने मना भी कर दिया कि ऐसे सवाल मत भेजो, फिर भी नहीं समझते।
सर प्लीज एक सेशन टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट, देखिए मैंने आपको बता दिया, थैंक यू वेरी मच शुभम पुनीत। अभी तो मैं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ 2 से 3 3 घंटे की भी क्लासें लगाऊंगा। और पता चला मैंने 100 100 सवालों के 3 क्लासें लगाई और उस 300 सवालों से ही बहुत सारे सवाल आपको पेपर में एज इट इज मिल गए, तो वो भी अभी क्लास लगाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो इस चीज के लिए। थैंक यू आकाश चौधरी, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का पूछ रहा है यूट्यूब चैनल, बेटा अगर तुम बहुत नए हो, तुमने अभी अभी 12th किया है, तो ही तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे पापा ने अभी अभी SSC की तैयारी छोड़ी होगी, तो तुम उनसे ये पूछना अपने पापा से कि पापा गणित का कोई चैनल बताओ जिस पे SSC की तैयारी हो जाए, तो वो जिस चैनल का नाम बताएंगे उसे मेरा चैनल कहते हैं। ठीक है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं कार्टून। कैसे इन बच्चों का जन्म हो गया है मैं ये सोचता हूं। सर टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल करवा दीजिए, PDF अपलोड नहीं हो पा रही थी, फोन में कुछ इश्यू ऐसा आ गया था, बस PDF ही नहीं जा पा रही थी। अब चली जाएगी, फोन नया होके आ रहा है, चेंज होके फोन खराब हो गया था, तो अब सबको PDF मिल जाएंगी। एक बच्चे का ये डाउट है, बताइए सर स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कब तक याद करनी है सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप याद हो जाती है। कप्पू नगरी याद है, नाम देखिए कैसा है, कुप्पू नगरी, वाह। कुछ भी पूछते हैं यार। सर मैं पहली बार आपसे लाइव पढ़ रहा हूँ, सर आपसे मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जी जरूर, गॉड ब्लेस यू, आप बनेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको पूरे फरवरी के महीने में कैसे पढ़ाई करनी है, फरवरी के महीने को कैसे बांटना है, क्या करना है। सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ। जितने भी अभी यूट्यूब पे हाल फिलहाल में वीडियो डाले जा रहे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, यूट्यूब वीडियोज। अगर इसके अलावा टाइम मिल जाता है तो आप टेलीग्राम वाली PDF करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, किसी PDF की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो जो गए, जिन टॉपिक में आपको लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उन टॉपिक्स की आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, वैसे जरूरत है नहीं। ये जो मैं यूट्यूब वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट तो है ही, साइड बाई साइड मैं वो सब भी बातें बता रहा हूँ जो मैंने पुरानी वीडियोज में पढ़ाई है, एक तरीके से रिविजन आप कह सकते हैं, जो चीजें अभी फिर से भी आ सकती है, इतना आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत बच गया है, तो मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ, कई बार बता दिया कि 2016 17 18 के पेपर आप कर लीजिए, उसके अलावा कुछ और मैथ में करने की जरूरत नहीं है। अब तक जो पढ़ लिया बट अब बचे हुए 1 महीने में आप इतना ही करिए, इसके अलावा और इधर उधर बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ और सोचने की जरूरत है। बात की गहराई को समझ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब बात आ जाती है, लफ्ज कम है आपके लिए, दिल से शुक्रिया। त्रिया शर्मा बेटा आपका नाम भी बहुत बढ़िया, और थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं GS की, जो आपके सबसे ज्यादा नंबर कम ज्यादा कर रहा है, तो GS में करंट अफेयर ऐसे पढ़ के जाओ कि अगर 3 4 सवाल भी आए तो रट के फेंक दो। करंट अफेयर के लिए मैंने अभी भी आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये करंट अफेयर की आपकी स्पेशल क्लास भी चल रही है अनअकैडमी पे, करंट अफेयर की, करंट अफेयर की आपकी स्पेशल क्लास चल रही है, जिसको करंट अफेयर की स्पेशल क्लासों को स्टैटिक GK के साथ जोड़ के पढ़ाया जा रहा है, जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, आप वो क्लास देख लो, स्पेशल क्लास है, 8 10 क्लासें लगती है, और मैं उनसे बोलूंगा कि वो फरवरी के महीने में जितनी भी स्पेशल क्लास लगाएं उन सब में आपको पूरा करंट अफेयर खत्म करा दें, ताकि और इस तरीके से कराएं कि आप पूरा पेपर में सवाल भी कर पाए।
ठीक है। अब उसके अलावा आपके पास अगर आप टाइम कम बचा है तो आप डिसाइड कर लीजिए, तो मैं यही कहूंगा कि आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये तीन टॉपिक पढ़ लीजिए, साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बाकी आप चाहो तो केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, आप चाहो तो ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो, कुछ चीजें आप छोड़ भी सकते हो। जैसे हिस्ट्री में आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जा सकते हो अगर आपके पास वक्त कम है तो, इतना आपको करना पड़ेगा भाई, इतनी चीज आपको करनी पड़ेगी। बट ये मान के चलो कि आज की डेट में बिना जीएस के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये सोच रहे हो जीएस में कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के काम चला लूंगा, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ नहीं हो सकता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी नहीं हो सकता। जैसे रीजनिंग में भी मैंने यही डिसाइड किया है, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कि रीजनिंग में अब बच्चे को आती पूरी है बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमने अभी रीजनिंग के जो सर हैं अभिषेक सर मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे रीजनिंग के मास्टर हैं, तो उन्होंने क्या है कि अभी यही डिसाइड किया है कि वो फरवरी में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, जो बच्चे जिनको आती है लेकिन हाल फिलहाल जैसे सवाल आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उन सब सवालों को कराएंगे। रीजनिंग में कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की जरूरत है। कई बच्चे क्या होंगे, रीजनिंग जैसे उन्हें बहुत अच्छी आती है, दो तीन तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की किताबें ले आएंगे, पूरे दिन रीजनिंग करते रहेंगे, बस पूरे दिन मजा आ रहा है सर, क्योंकि आदमी आदमी क्या करता है, वही काम करता है जिसमें उसको मजा आता है। मैं आपको बता दूं, देखिए जिन चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, वो फायदेमंद नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो जिसमें मेहनत लगेगी, दिमाग हिलेगा, वही चीजें आपको फायदेमंद रहेंगी। एक लड़का कह रहा है कि बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं अभिनय सर से, पता नहीं क्या लिखा था, से पढ़ो। तो आप बेसिक से क्यों नहीं पढ़ाते? अरे मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी में हर महीने में 75 घंटे पढ़ाता हूँ, आपको पता है, हर महीने में 75 घंटे पढ़ाता हूँ। जब पेपर दूर होता है तो मैं 75 घंटे में सिर्फ अर्थमेटिक का 60% हिस्सा कराता हूँ, और ऐसे ही अगले 75 घंटे में 60% हिस्सा एडवांस का कराता हूँ जब पेपर दूर होता है। बट आप मेरे साथ लेट जुड़े हैं। अब एक बात बताओ, जिन बच्चों को मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं उनको अभी भी बेसिक पढ़ाता रहूँ, इसका मतलब तो मैं सिलेक्शन की ओर ले ही नहीं जा रहा उनको। आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए, अगर आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं 2020 के लिए, तो पहले आप मेरी पुरानी वीडियोज देखो। अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का 1 मार्च को पेपर है, अगर मैं इस बैच में भी बेसिक पढ़ाता रहूंगा तो उन बच्चों के साथ धोखा होगा जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो अभी मैं बेसिक नहीं पढ़ा सकता बिल्कुल। बात की गहराई को समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं है बेसिक नहीं पढ़ाता, और बेसिक के भी अपने अलग अलग पैमाने हैं। क्या है बेसिक, कहां से शुरू करें जिसको आप बेसिक कहेंगे, बताइए। जो मैं पढ़ाता हूं मैं इतना जानता हूं कि उससे सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, उन टॉपर्स के इंटरव्यू से आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। जितने भी टॉपर्स हैं आजकल, जितनों के भी इंटरव्यू आए हैं, उन्होंने चाहे वो मेरी बुक का अप्रिशिएशन दिया हो, चाहे मेरी ऑनलाइन वीडियोज को दिया हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस को दिया हो, सबने दिया है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मैं सब पढ़ाता हूँ बट अभी पेपर नजदीक है। अब आप ही कहोगे मैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ एलजेब्रा, आपने बेसिक नहीं बताया। अरे भाई मैं जितने सवाल बता रहा हूँ मुझे पता है उससे बाहर इस बार नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ सोच के ही मैं बता रहा हूँ। अगर एक टीचर एक चैप्टर को 600 घंटे में भी टीचर गणित खत्म कर रहे थे, आपको पता होगा 600 घंटे के भी लोगों के कोर्स हैं, क्या कोई बच्चा पढ़ लेगा 600 घंटे? बताओ, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। हम तो वो टीचर हैं जो पेपर के नजदीक जो 2 महीने में पढ़ाते हैं ना, मुश्किल से 50 घंटे, उसमें से बच्चा 50 नंबर ले आता है। बात समझ गए सर? आपका जीमेल पे मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया। अरे आ जाएगा रिप्लाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है, रिप्लाई भी कर देंगे।
विवेक ओबराय क्या कह रहे हैं इनका जान लेते हैं। विवेक ओबराय का कहना है कि सर मैंने आपका कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डिंग देख लिया है, अभी रिवीजन ऑनगोइंग है, आप प्लीज वो नर्वस वाली मेडिसिन बता दीजिए एंड एग्जाम से कितने टाइम पहले लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा फिर से एक ही बात पूछ रहे हैं, पता नहीं, एक तो लेट लेट जुड़ते हैं, समझ में नहीं आता। नंबर सिस्टम में बता दो, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सवाल आ रहे हैं। आपको अगर वक्त लगता है तो आप बेसिक में यूनिट डिजिट और बेसिक रिमाइंडर के सवाल करना और सीख लीजिए, वरना इन दो टॉपिक से इस बार सवाल फंस जाएगा। मानिए और कुछ सर, मॉक्स में 120 आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, क्या करें इसका डाउट, ये बहुत बच्चों का डाउट है। बहुत बच्चों के नंबर मॉक्स में 120 ही आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, बहुत बच्चों की ये हालत है। तो देखिए जो 120 नंबर ला रहे हैं तो पहले तो आप ये देखिए आपने अटेम्प्ट कितने का करा। मान लेते हैं 150 नंबर का अटेम्प्ट करा, 50 का आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अब आपको घर आके देखना है कि इस 50 में कितने नंबर का आता था आपको, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पता चला 10 नंबर का, 40 का आपको आता ही नहीं था। तो पहले तो आप इस 40 को कंटेस्ट करो, इन 50 नंबर से ज्यादा है आप इस 150 पे काम करो कि आप 150 का करके आए थे, 30 नंबर कहाँ कट गए, नंबर 120 ही मिले, तो जो 30 नंबर कहाँ कट गए, कहाँ आपने गलती की, क्या ये 30 नंबर आपको आते नहीं थे, आपने तुक्का मारा, या आते हुए सवाल गलत हो गए। तो एक ही मॉक दो भले ही, बट उसका 1-2 घंटे बैठ के एनालिसिस करो और कॉपी में नोट करो कि क्या गलती है जो आपको अगले मॉक में नहीं करनी। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तो यही हालत हो जाएगी, बार बार मॉक दोगे 120 नंबर आएंगे। इसे बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिक पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में। अंकित बंसल, सर मैं लाइफ में सीरियस नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है सीरियस होने के लिए, बोला किसने, हम नहीं हुए कभी सीरियस जीवन में आज तक 2 मिनट से ज्यादा। कोई जरूरत नहीं है सीरियस होने की, बिना सीरियस के सब कुछ कर सकते हैं आप। यू आर ऑसम सर, थैंक्स बेटा, बट आप अपनी इंग्लिश सुधारो। ऑसम की स्पेलिंग होती है AWESOME, ये आप सीखो पहले। सर मॉक और प्रीवियस ईयर रिवीजन विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर रिवीजन, पहले सवाल का आंसर है प्रीवियस ईयर रिवीजन, दूसरे सवाल का आंसर है कि प्रैक्टिस मॉक के जो केवल फ्री मॉक है, फ्री मॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, बस वही करने हैं, बाकी कोई मॉक नहीं लेना है, बाकी कोई मॉक नहीं लेना है। मिनिमम कितने मॉक, 5 मॉक बहुत है प्रैक्टिस के लिए, इससे कुछ नहीं होता, इससे बस क्या है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता है मॉक से, कोई मॉक से सवाल तो फंसने हैं नहीं है, समझ रहे, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मॉक से। सार्थक जी का कहना है कि सर पेपर में घबराहट होती है, उसे कैसे डील करें सब कुछ आने के बावजूद भी। ऐसा नहीं है, देखिए तो बहुत नॉर्मल है, अगर आपको ज्यादा हो रही है तब तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बट थोड़ी बहुत होना तो लाजमी है, नॉर्मल है, हमें भी होती है। जब पेपर देते थे 2-4 सवाल गलत हो जाते थे तो टेंशन होने लगती थी, यार अब आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सर प्लीज कंटिन्यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज ऑन अभिनमेंस ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स। जी जरूर, लगता है ये वो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, चंद्रशेखर दीप्ति, बहुत बढ़िया, या फिर चंद्रशेखर जी हैं जिनकी दीप्ति से शादी हुई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर क्या मोबाइल से पढ़ना बस है क्या, मतलब और नहीं तो क्या, और क्या करेंगे।
सर बेसिक मैथ्स का बैच जिसमें 0 से 100% कब आएगा? मार्च, 1 मार्च से शुरू करेंगे, 1 मार्च से, जब ये प्री खत्म हो जाएगा तो 1 मार्च से ऐसा बैच शुरू करें। नंबर सिस्टम में अभी बता दिए मैंने, टॉपिक की बात क्लियर हो गई है। गुप्ता जी का कहना, आपने एसएससी के एग्जाम में ऐसी कोई मिस्टेक की हो जो आप शेयर करना चाहते हो ताकि वो गलती हम ना करें, किसी भी सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक, रूटीन में कोई मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक की? देखिए, मैंने एसएससी की तैयारी में क्या मिस्टेक की मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने एसएससी की तैयारी बहुत ज्यादा की नहीं है, 2 से 3 महीने मैंने तैयारी की थी। मैंने क्या मिस्टेक की थी एसएससी की तैयारी में? मैं इस आंसर का सवाल सोच समझ के देता हूं, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक की थी जिससे मुझे नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा उसका 100% मैंने ले लिया था, कोई ऐसी कमी, मतलब जितना मैंने तैयारी की थी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस गलती के ऐसे नंबर कम रह गए। मैं समझता हूँ जितने मेरे आए मैं उतने ही डिजर्व करता था। बहुत कठिन सवाल गुप्ता जी ने पूछा है, भगवान गुप्ता जी को शांति दे। लास्ट ईयर ट्रेंड क्या था सर? एडवांस के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों इक्वल ही है, 50% 50% का वेटेज है, बल्कि ये और ज्यादा आसान है, एडवांस में और ज्यादा आसान है, इसमें सवाल पढ़ लिए तो डायरेक्ट हो ही जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मसला मुखर्जी नगर की तरह लाइफ चल रही है, मुझे तो पता ही था यही चल रही होगी, और क्या है अंजाम तुम्हें पता ही है, उसका लास्ट पार्ट देख लो, अपने आप चलना बंद हो जाएगी फिर। सर मैथ समझ नहीं आती, क्या करें सर प्लीज बताओ? या तो दोस्त कई बार पढ़ो, 3 4 बार पढ़ो, और अगर आपको लगता है कि समझ आएगी नहीं तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो, उसमें मैथ कम आती, क्योंकि बिना मैथ के एसएससी नहीं निकल सकता भाई। नमस्कार कौरव, नमस्कार, मैं अच्छा हूं। एक बच्चा कह रहे हैं मॉक्स करें या चैप्टर वाइज रिवीजन? देखिए अर्थमेटिक के लिए मुझे लगता है आप मॉक्स भी कर लें तो ठीक है, बट एडवांस का चैप्टर वाइज रिवीजन करें तो बेहतर होगा। थैंक यू कौरव जी। सर कहाँ से पढ़े, रेफरेंस बुक बता दो इंग्लिश की। आजकल देखिए बुक से तो ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करिए आप, कितनी बार तो हमने बता दिया, कोई एक बुक पर्याप्त नहीं है। आजकल टीचर भी पढ़ा रहा है तो 8 8 किताबें पढ़ के वो आपको पढ़ा रहा है, नोट्स लेके आ रहा है। सर सीएचएसएल का भी बता दीजिए, कैसे क्रैक करें? आपका अर्थमेटिक का कोर्स पूरा किया है, एडवांस का भी पूरा करिए, सेम ही तो है, जो सीएचएसएल का सिलेबस है वही सीजीएल का सिलेबस है। सर आपका 0 लेवल से बैच, वही हो, 1 मार्च में आएगा, बट बहुत ज्यादा 0 लेवल नहीं होता, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना बच्चा 10th पास करके आता है, क्योंकि इस एग्जाम का नाम कंबाइंड नर्सरी लेवल नहीं है, सीएनएल नहीं है, इसका सीजीएल है, यानी बच्चा ग्रेजुएशन करके आ रहा है, अगर वो 10th 12th पास करके आ रहा है तो हम उसके आगे की चीजें ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि। सर प्री के लिए मेंस के क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट है या ओनली प्री? नहीं, मेंस के भी बनाना जरूरी है, दोनों, प्री भी मेंस भी, दोनों बनाना जरूरी है। यार इतने सारे डाउट आ गए हैं अब तो बहुत मुश्किल है, 400 के पार गाड़ी हो चुकी है। प्लीज मेक ज्योमेट्री एग्जाम लेवल रिवीजन वीडियो टीयर 1। हाँ श्योर, मैंने बोला मैं बनाऊंगा, मैंने कहा मैं सारे टॉपिक करा दूंगा, ऐसे ही थोड़ी है।
देखिए मेन मकसद यही होता है कि पढ़ाई करना। आप, मैं अभी लास्ट के 5 मिनट इसी बात पे बोलूंगा कि बच्चा पूछता सब रहता है, आप भी इतने बड़े हैं, आपने 10th पास कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, घर वालों के ताने सुनने, आपको सब पता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, सब पता है आपको। हर आदमी वही कर रहा है। जैसे मैं बाबाओं की बात करूं, सब लोगों को पता है अच्छे कर्म करने से जिंदगी सुधरेगी, बट लोग जा रहे हैं बाबाओं के पास, बाबा अलग बता रहे हैं ऐसा करिए, ना तो बाबा अच्छे कर्म कर रहे हैं, देख ही रहे हो आप, मैक्सिमम तो जेल में ही है, और ना ही उनके भक्त अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो हर आदमी को ये जानना है कि करना क्या है, बट कोई करना कुछ नहीं चाहता क्योंकि करने में मेहनत लगती है। हर आदमी को ऐसो आराम चाहिए, फ्री का बिस्तर चाहिए, बस ये है, करना कोई कुछ नहीं चाहता। स्ट्रेटेजी बताओ, बता देंगे, चलना नहीं है उस पे स्ट्रेटेजी पे तो क्या होगा। किताब बताओ कौन सी पढ़नी है, अभी आपके खुद के पास 40 किताबें होंगी जिनमें धूल लगी पड़ी है, बट आप नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं कोई नई किताब बता दूंगा, उसे तुरंत ले आएंगे। तो देखिए इन सब बातों से नहीं होगा, स्ट्रेटेजी जानने से नहीं होगा, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा उस पे। हम पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, आपको राह दिखाने वाले हो सकते हैं, बट चलना आपको, और चलने में ही मेहनत है, बताने में कुछ नहीं है। तो अब इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ। मोटिवेशन बच्चा मांगता है, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है, इंस्पिरेशन खुद के जीवन से लो कि जब लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, कैसे लोगों ने गाली मारी थी, कैसे आपकी इमेज की धज्जियां उड़ गई थी, कैसे आपके रिश्तेदार जब आप शादी में जाते हो तो आपको टोंट मारते हैं, आपके पीछे आपके मोहल्ले वाले कैसे आपके पिताजी को पूछते हैं लड़के का क्या हुआ। ये आपके लिए जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इतने सारे लोगों को आप क्या जवाब दोगे। और आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे खाम का वीडियो देख के अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसीलिए सिर्फ यूट्यूब पे आना छोड़ा था कि बहुत गंदगी हो गई थी, लोग अपने व्यू लाइक सब्सक्राइब के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लग गए थे। आजकल जो भी टीचर आता है, सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, ये करो, वो ठोको, दिल करता है इन्हें ठोक दो, समझ रहे हैं। आदमी आ रहा है, आते ही स्टार्टिंग में वो जो है अपने बैच के बारे में बता रहा है, मैं इतना बैच पढ़ा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब करने में तो यूट्यूब का भी कम से कम सहारा लो, यही कहूंगा मैं तो। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस वो प्रैक्टिस पढ़ लो, और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ये सब करने की। तो जितनी बातें बताई जा रही हैं, और नहीं तो क्या है, तो जितनी भी बातें बताई जा रही हैं आपको, उन सब पे चलो, मेहनत आप ही को करनी है। देखिए मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, और आज भी पढ़ते हैं, आज भी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मेहनत करो शांति से, इतनी भयंकर मेहनत होनी चाहिए कि रिजल्ट के बाद लोग आपका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तब आपको लोग जान रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने पिताजी को दिमाग में रखते हुए, माताजी को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हैं, अब आपको घर वालों के लिए कमाई का जरिया बन जाना चाहिए, मैं यही कहूंगा आपको। नहीं तो आप देखेंगे कि फिर माताजी पिताजी को बीमारियां घेरना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उनकी औलाद, उनके बच्चे किसी लायक नहीं बन पाते, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको ध्यान में रख के पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, अभी कम भी सोओगे तो काम चल जाएगा, कम घूमो, कम दोस्ती करो लोगों से, और बस पढ़ाई करो। इस 1 महीना एटलीस्ट लग जाओ ताकि जो पुरानी आपने पढ़ाई की है वो भी वसूल हो पाए, कहीं ऐसा ना हो पहले वाली पढ़ाई भी बेकार हो जाए, इस 1 महीने में अपना नुकसान कर दे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती कम करें, फोन पे बात ना करें, करें हर चीज लिमिट में करें, आती हर चीज की बुरी होती, पढ़ाई भी करें साथ साथ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, बहुत दिनों से आपसे बात हो नहीं पाई थी, और एक क्लास ऐसी रखनी थी हमें जिसमें आपसे बात करनी थी। ये बेसिकली ये क्लास आपसे बात करने का एक जरिया है, जहां हम आपकी बातें जान पाते हैं और अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर कर पाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल परसों में भी स्पेशल क्लास है, मैं कुछ टॉपिक खत्म कराने की कोशिश करूंगा, 25 अच्छे अच्छे खूबसूरत सवाल खत्म कराने की कोशिश करूंगा। तो विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल, हेलो।